नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दैनिक डेटा पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी हेड कांस्टेबल सीएम में जो टाइपिंग होने वाली है, जो आगे चल की होगी, उसमें कैसा मैटर आता है, क्या उसमें स्पेशल कैरेक्टर काफी ज्यादा आते हैं या काफी हार्ड वर्ड या काफी लंबे वर्ड्स आते हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में होने वाली है। मैं पैराग्राफ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी, और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। डे बाय डे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना आए और आपका सिलेक्शन बिल्कुल इंश्योर हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको पैराग्राफ दिखा दूंगा अभी, उससे पहले मैं ये बता दूंगा आपको कि आप टाइपिंग में जाओगे कब, जब आप रिटर्न को क्वालिफाई करोगे। अगर आप रिटर्न को क्वालिफाई करोगे तभी तो आप जाओगे टाइपिंग में। रिटर्न में जो नंबर आएंगे उसी के आधार पर आप टाइपिंग में जाओगे। मैं रिटर्न में कैसे नंबर आएंगे, रिटर्न में नंबर आएंगे आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, आप पढ़ाई करोगे और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है, पढ़ाई के साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, आपको कितनी इंफॉर्मेशन अभी तक है, कितनी है, मतलब कितना आपने पढ़ लिया है, कितने आप नंबर गेन कर रहे हो। तो प्रैक्टिस के लिए हमने 5 सेट का प्रैक्टिस सेट बनाया है, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको इंट्रोड्यूस किया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तभी मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ कि काफी अच्छा, बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि सर प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा है, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लुक्रेटिव अगर बनाया गया है प्रैक्टिस सेट, तो आप इसको बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, टेलीग्राम हमारे पे जाना है और वहां पर एडमिन को, एडमिन या फिर ऑनर को आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, मैसेज कर देना है कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट बाय करना है। अब वहां इजिली प्राप्त कर सकते हो, 75 रुपीज बस आप इसका प्राइस रखा गया ओनली, ठीक है, आप वहां से कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म में है, कोई बुक नहीं, क्योंकि बुक मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं की क्योंकि बुक में फिर एक्स्ट्रा चार्जेस हो जाते हैं, प्रिंट के चार्जेस, फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट अपने कमीशन जोड़ लेते और प्राइस काफी हाई हो जाता। पीडीएफ फॉर्मेट में आप आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते हो अपने घर से, 40-50 रुपए लगेगा और आप इसको कर सकते हो। टोटल 60 पेज की पीडीएफ है, इसमें सॉल्यूशन भी है और आंसर की भी है, कहीं पर भी कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए गए हैं, तो आप इसको बाय कर लेना। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको पढ़ भी सकते हो अगर पढ़ना चाहो। अभी मैं बता भी देता हूँ कि बहुत ही सिंपल, आपने देख रहे होंगे कि कोई भी ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं दिख रहे होंगे, सिंपल आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरह का पैराग्राफ आएगा, इसका लिंक आपको, मतलब इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि टाइमिंग कितनी होगी, 10 मिनट की टाइमिंग होगी। स्पेशल कैरेक्टर में क्या क्या आएगा, देखिए अंडरस्कोर है और उसके बाद आपका डैश होता है, फिर कॉमा हो गया, ठीक, डबल इनवर्टेड कॉमा हो गया, ब्रैकेट वगैरह हो गए, नंबर्स होंगे और कुछ चीजें होंगी जो स्पेशल कैरेक्टर में से आ गया, ठीक है, कभी एट द रेट आ गया, कभी कभी स्लैश आ गया, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिखेंगे आपको, आपने पैराग्राफ में भी देखा। तो ये पैराग्राफ मेरे टाइपिंग में आया हुआ था, उसी पैराग्राफ को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था, ताकि आप अभी से तैयारी में लगे रहो, क्योंकि टाइपिंग क्या है कि आप एक दिन में तो नहीं सीख सकते, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको रिटेन के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइपिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। दिन में आप, मैंने उसको बताया भी था आपको, अगर टाइपिंग आपकी कमजोर है तो दिन में आधा घंटा एक घंटा अगर टाइपिंग करोगे तो जब तक आपका एग्जामिनेशन आएगा तब तक आपकी टाइपिंग अच्छी भी हो जाएगी। और एक ही एग्जाम नहीं है बात, अगर आप किसी और एग्जाम की भी बात करो, और भी एग्जाम आते हैं उसमें टाइपिंग मांगते हैं, तो टाइपिंग आप कहीं पर भी मतलब की यूज कर सकते हो, कोई वेस्टफुल तो टाइपिंग है नहीं, आप इसको अगर कहीं प्राइवेट में काम करना चाहो तो फिर भी काम कर सकते हो टाइपिंग में। तो इस तरह से टाइपिंग कोई वेस्टफुल काम नहीं है, उससे आपको प्रॉफिट ही होगा। टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, फिजिकली प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। आगे मैं वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। मैंने कैसे मैनेज किया था, मैंने करीब, देखिए मैंने आपको बताया था मैंने 4 एग्जाम क्लियर किए थे, ठीक है, जिसमें आपका आईटीबीपी था, ठीक है, उसके बाद रेलवे, उसके बाद एसएससी, उसके बाद आपका यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, बीआरओ, कई सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे। तो मैं अब आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको टाइमिंग, मतलब टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। और सारी जो पोस्ट थी ना, सारी ग्रुप सी की पोस्ट थी, कोई भी ग्रुप डी की पोस्ट नहीं थी, सारी ग्रुप सी की थी, अच्छी खासी सैलरी थी सबकी।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी भी करनी है। तो वीडियो को ये समाप्त करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी ऑन टेक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और मैंने लगभग सारी ITBP से रिलेटेड जो भी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मुझे नहीं मिली मेरे तैयारी करते समय मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट बाय करना है तो टेलीग्राम पर जाना है, वहां पर आपको एडमिन या ऑनर को मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, अभी लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।